الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حضرات علماء کرام، معزز سامعین، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں، یہ حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سیاسی اعتبار سے یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دینی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے جو چیلنجز ہیں، یہ بھی انتہائی خوفناک، خطرناک، وحشتناک اور مستقبل کے اعتبار سے بہت ہی مایوس کن نظر آتے ہیں۔ معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی چیلنجز ہیں، اور ان دو سے بھی بڑھ کر ملی اعتبار سے اور مذہبی اور دینی اعتبار سے بڑے چیلنجز ہیں۔ مسلمان ہمیشہ دین کو فوقیت دیتا آیا ہے اور اس کو دینا بھی چاہیے۔ معاشی اعتبار سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی رہتی ہیں، مسلمان اس کی زیادہ فکر نہیں کرتا۔ ہندوستان کے اندر مختلف معاشی مسائل میں مسلمان اوپر رہے، لیکن ان کو رسوا اور پسپا کرنے کی کوششیں کی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن یہ بہت تشویشناک بات تو نہیں تھی۔ اسی طریقے پر تعلیم کے سلسلے میں رکاوٹیں آئی اور آتی رہتی ہیں، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں، اگرچہ مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کے لیے بھاری مسئلہ اور فکر انگیز مسئلہ، تشویشناک مسئلہ مذہبی اور دینی مسئلہ ہے۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں اور ان کو چاہنا چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی خطے میں رہیں، کسی علاقے میں رہیں، کسی بھی صورتحال میں رہیں، کسی بھی انداز پر رہیں،
लेकिन वो अपने मजहब पर बाकी रहें, अपने दीन के ऊपर बाकी रहें। फकर के साथ हो, फाके के साथ हो, या बड़ी मुलाजमत के साथ हो, बड़ी तिजारत के साथ में हो, लेकिन मुसलमान ये चाहता है और उसको चाहना है कि मैं जैसा भी रहूं लेकिन मेरे दीन के साथ, मेरे मजहब के साथ मेरी वाबस्तगी बिल्कुल बरकरार रहे। लेकिन जब यहां सूरत हाल ऐसी पेश आ रही है कि उनके मजहब को चैलेंज किया जा रहा है, ईमान को चैलेंज किया जा रहा है, मिल्लत को चैलेंज किया जा रहा है, तो जाहिर है कि यह मुसलमान के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। और उसके लिए इस सूरत हाल में गौर व फिक्र करना जरूरी है कि उसको क्या करना चाहिए। वो हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है लेकिन दीन और मजहब से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जान को भी कुर्बान कर सकता है, माल की कुर्बानी भी दे सकता है, दुनिया की और मुख्तलिफ चीज़ों की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान अपने दीन को छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इतने हालात और इतने मसाइल हर दौर के अंदर आते रहे, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों की जमहूरियत, मुसलमानों की अक्सरियत दीन और मजहब को चाहने वाली और अपने दीन और मजहब पर कुर्बानी देने वाली। बहरहाल सूरत हाल जो कुछ है वह हमारे लिए है, तशवीशनाक जरूर है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है। पर्दे का मसला आ रहा है, इससे पहले तीन तलाक का मसला उठाया गया, दो शादियों का मसला उठाया गया और पोते की मीरास का मसला उठाया गया। मुख्तलिफ मसाइल को उठा उठाकर उलझाकर हमारे मुस्लिम परसल्ला के अंदर दखल अंदाजी की कोशिशें की गई और फिर उससे भी आगे ये कि हमारे बच्चों को दीन से अलग करने के लिए, उनके जहन में शिर्क और कुफ्र के जरासीम को उतारने के लिए सूर्य नमस्कार का मसला उठाया गया। अब यह पर्दे का मसला चल रहा है और चंद साल पहले वंदे मातरम का मसला उठाया गया। वंदे मातरम एक ऐसा तराना है जिसके अंदर कुफ्र भरा हुआ है, जिसके अंदर शिर्क भरा हुआ है, कोई मुसलमान उसको पढ़कर अपने दीन पर, अपनी तौहीद पर, अपने ईमान पर, अपने यकीन पर बरकरार नहीं रह सकता। ये सब मसाइल वक्त 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 पर उठाए जाते हैं, कुछ कुछ वक्फे से उठाए जाते हैं और हमें चैलेंज किया जाता है, हमारे जहनों को मसमूम करने की कोशिश की जाती है। और फिर जब मुसलमान इस सूरत हाल में अपना कुछ एहतजाज दर्ज कराना चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। ये सूरत हाल अभी नहीं पैदा हुई बल्कि बहुत तवील अरसे से चल रही है, लेकिन चलते चलते इसके अंदर इश्तदाद, इसके अंदर शिद्दत, इसके अंदर सख्ती, इसके अंदर और ज्यादती, इसके अंदर और वसात पैदा होती जा रही है। ये सूरत हाल देख देख कर मुसलमान का दिल दुखता है, मुसलमान का दिल कुढ़ता है, मुसलमान परेशान होता है, मुसलमान सोचने लगता है कि हमारा इलाज क्या, इस सूरत हाल में तदारुक क्या, क्या हालात हमको यहां तक जो ले आए हैं इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। इसके जवाब के लिए मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला साफ अल्फाज के अंदर फरमाते हैं, वला तहिनू वला तहजनू
وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہونا, تم گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہونا, اور تم ہی سربلند رہو گے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم ایمان کے اوپر جمے رہو. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ ان كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے, تم کو کوئی نیچا دکھا نہیں سکتا, تم کو کوئی وحشت میں مبتلا نہیں کر سکتا, لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے, اور وہ شرط ہے ان کنتم مؤمنین, کہ اگر تم ایمان کے اوپر پوری طرح برقرار رہو, ایمان کے لوازمات کے ساتھ ایمان کو قبول کر کے چلتے رہو, تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا دکھا نہیں سکتی. اس آیت نے ہمارا پورا علاج رکھ دیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, غم کرنے کی ضرورت نہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا, غم کیوں کھاتے ہو؟ دیکھیے اللہ کا کلام مسلمانوں کے لیے آیا, اگرچہ صحابہ اس کے اولین مخاطب تھے, لیکن قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر گویا کہ یہ آیت ہر زمانے میں نازل ہو رہی ہے, ہر زمانے میں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. جب کہیں ایسے حالات ہو, جہاں کہیں ایسے حالات ہو, وہاں کے مسلمانوں پر یہ آیت صادق آتی ہے, اللہ ان سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا, غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو پست سمجھنے کی ضرورت نہیں, تم ہی سر بلند رہو گے. لیکن ایک بات یاد رکھو, ان کنتم مؤمنین, بشرطے کہ تم ایمان کے اوپر جمے رہو. آج کی جو صورتحال ہے تشویشناک, اللہ کہتے ہیں تشویش میں مبتلا نہ ہو, دکھ اور درد کی صورتحال, اللہ کہتے ہیں ولا تحزنوا, غم نہ کرو, پریشان نہ ہو. اللہ نے جب کہہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں, حالات ایسے آتے ہیں آتے رہیں گے, لیکن تم کو غم میں پڑ کر اور پریشانی میں پڑ کر اپنے آپ کو بھلانا نہیں ہے, بلکہ تمہیں کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جو حالات پیش آئے, آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد بھی بعض ادوار میں, بعض زمانوں میں, بعض علاقوں میں بڑے خطرناک حالات پیش آئے. بھائیوں میں کیا کہوں آپ کو, آپ کو یاد ہونا چاہیے, تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھنا چاہیے, ذرا ماضی کی طرف نگاہ اٹھانا چاہیے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں خاص طور پر تاتاری فتنہ زبردست طریقے پر پھیلا ہوا تھا. تاتاریوں کا یہ فتنہ تاریخ کا ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا. ایک مورخ کا نام لیتا ہوں جن کا نام ہے علامہ ابن الاثیر, انہوں نے الکامل نامی ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب لکھی. جس زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے, جس زمانے میں وہ تھے, اسی زمانے میں یہ تاتاریوں کا فتنہ چل رہا تھا. وہ اس کے چشم دید گواہ ہیں, وہ خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے اس منظر کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا, اور جہاں پر یہ واقعہ شروع کرتے ہیں وہاں پر یہ الفاظ وہ لکھ کے جاتے ہیں کہ ایسا فتنہ اور ایسا فساد اور ایسی خطرناک صورتحال, ایسی وحشتناک صورتحال, میرا یقین ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک کبھی دنیا میں پیش نہیں آئی. اب اندازہ کرو کہ کیسی حالت ہوگی. لکھتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تب سے آج تک
इतनी खतरनाक और इतनी वहशतनाक सूरत हाल नहीं पैदा हुई। और मेरा यह भी यकीन है कि शायद इसके बाद भी कभी ऐसी सूरत नहीं पेश आएगी। यह लिखना कोई मामूली बात है? अपने जमाने के हालात को देखकर, तातारियों के फितरे को देखकर, फिर उसमें उन्होंने लिखा है और मुअर्रिखीन ने भी लिखा है कि जिस इलाके में जाते थे ये तातारी, वहां की पूरी आबादी को खत्म कर देते थे। जिस शहर में दाखिल हो गए, वहां के तमाम मुसलमानों को खत्म कर दिया। जिस इलाके में पहुंच गए, वहां के तमाम मुसलमानों को खत्म कर डाला। यहां तक के सब के सरों को काट कर सरों का मीनार बना देते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सरों का मीनार बना देते, और उस पूरी बस्ती को आग लगा के दूसरी बस्ती की तरफ चले जाते, वहां पर यही करते, और फिर तीसरी बस्ती को चले जाते। शहरों के शहरों को तबाह कर दिया, गांव गांव पहुंचकर यही सूरत हाल पैदा कर दी, और लाखों मुसलमानों को कत्ल किया और उनका कत्ल आम कर दिया। अल्लामा इब्न नज़ीर लिखते हैं कि मेरा ख्याल है कि ऐसा फितना पहले भी पेश नहीं आया, ऐसा फितना बाद भी पेश नहीं आएगा। अब देखो, एक तो वो सूरत हाल, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि हम अपने ईमानों के साथ, अपनी नमाजों के साथ, अपने जिक्र तस्बीहात के साथ, अपनी मसाजिद के साथ, अपने मदारिस के साथ, कुरान की तालीम के साथ, हदीस की तालीम के साथ, फिकियात की तालीम के साथ और मुख्तलिफ चीज़ों की तालीमात के साथ यहाँ पर बरकरार हैं। मालूम हुआ कि फितने तो इससे भी बड़े बड़े आए, इससे भी खतरनाक पेश आए। जब मुसलमान वहां नहीं घबराया और वहां पर भी डटा रहा, और डटे हुए रहने का नतीजा यह हुआ कि एक जमाना ऐसा आया कि तातारी कौम ही के लोग ईमान कबूल करना शुरू कर देते। और तारीख का बड़ा अजीब वाकया है, वाकया यह हुआ था कि तातारियों के इस फितने के दौर में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले एक जगह पर चले जा रहे थे। तातारियों का एक शहजादा उस इलाके के अंदर शिकार करने के लिए आया हुआ था, और वहां पर उसने बाउंड्री लगा दी थी। इतनी बाउंड्री में कोई भी आम आदमी दाखिल नहीं होगा। ये बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जा रहे थे और उनको पता नहीं था कि इस बाउंड्री में दाखिल होना ममनू है। वो उस बाउंड्री में दाखिल हो गए। जब उस बाउंड्री में दाखिल हुए तो जो शहजादे के सिपाही थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शहजादे के सामने पेश कर दिया। शहजादा आग बगोला हुआ और उसने कहा कि तुम हमारी इस बाउंड्री में कैसे दाखिल हुए, तुमको क्या मजाल है? और कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते से बदतर हो। उन बुजुर्ग से कहा कि तुम कुत्ते से बदतर हो, या यूं कहा कि तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता अच्छा है। वो बुजुर्ग खामोश खड़े रहे। उसके बाद में कहने लगे कि मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता कि कुत्ता अच्छा है कि मैं अच्छा हूं। अगर ये कुत्ता, अगर मैं मेरे खालिक की बात, मेरे मालिक की बात पर चलता रहा तो मैं अच्छा हूं, अगर मेरे खालिक और मालिक की बात पर मैं नहीं चलता रहा तो फिर ये कुत्ता मेरे से ज्यादा अच्छा है। वो शहजादा सुन के कहने लगा कि आप क्या बोल रहे हैं, तशरीह करो इसकी। आग बगोला था, बड़े जोश में था और कहने लगा, क्या बकवास करते हो, बताओ क्या है इसका मतलब। अब उन्होंने उसकी तशरीह, उन्होंने कहा, इस दुनिया को पैदा करने वाला एक खालिक है, एक मालिक है, जिसे तुमको भी पैदा किया, मुझको भी पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया, मुझे पैदा किया, मेरे माँ बाप को पैदा किया, और सारी कायनात को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, और उस खालिक ने हमसे मुतालबा किया उसकी इबादत करें, उसकी इताअत करें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें,
शराब नोशी ना हो, झूठ ना हो, मक्कारी ना हो, अय्यारी ना हो, ऐश परस्ती ना हो, आखिरत की फिक्र करें और अल्लाह को खुश करने के काम किया करें, उसकी इबादत करें और नेक काम करते जाएं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। उसने हमको ये तालीम दी, अगर इस तालीम पर हम बरकरार रहे तो हम अच्छे हैं, अगर हमने इस तालीम को फरामोश कर दिया ये कुत्ता हमारे से बेहतर है। जब उन बुजुर्ग ने तकरीर की, दिल से बात निकलती है तो दिल पर असर करती है, दिल पर, दिल से बात निकलती है तो दिल पर असर करती है, उस शहजादे के दिल के ऊपर उसका असर हुआ, रोने लगा, कहने लगा कि मैं बड़े भूल में था, मैं तो इन चीजों को जानता ही नहीं था, ये कितनी अच्छी बात है जो तुमने बताई। फिर उसके बाद उनसे माफी मांगी, माफी मांगकर कहने लगा कि आपने जो तालीमात बताई इन तालीमात के ऊपर मुझको भी ले आओ। उन्होंने कहा कि ये इस्लामी तालीम है, इस्लाम इसी को कहते हैं, इस्लाम के अंदर ये खसूसियात हैं, इस्लाम के अंदर ये तालीमात हैं। ये सारी बातें बताने के बाद वो बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा कि मैं भी इस इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूं। उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया, न सिर्फ वो बल्कि उसके साथ जितने उसके हवारी थे और जितने उसके सिपाही थे उन सबको भी उसने इस्लाम के अंदर दाखिल किया, लेकिन उनसे कहा मैं अभी अपने इस्लाम को जाहिर नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर मैं अपने इस्लाम को अभी जाहिर करता हूं तो हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं वो फितना पैदा कर देंगे और हमको भी कत्ल कर देंगे, इसलिए आप इंतजार करें कि मैं जब बादशाह बनकर बैठूं, अभी तो मैं शहजादा हूं, मेरे बाप के बाद मैं उसकी कुर्सी पे आऊंगा, जब मैं उस कुर्सी पे आऊं बादशाहत मुझको मिल जाए तो आप मेरे पास जरूर तशरीफ लाएं, उस वक्त मैं अपना ऐलान करूंगा सारी दुनिया के अंदर कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं और सबको इस्लाम में आने की दावत दूं। बातचीत हो गई, उसके बाद जो है वो चले गए बुजुर्ग जहां उनको जाना था। जमाना गुजरता रहा, जमाना गुजरता रहा, कई सालों के बाद उन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि देखो हमने शहजादे से जो बातचीत की थी, मैं तो अभी मर रहा हूं, मुझे तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे जमाने में जब वो कुर्सी पर बैठ जाए, बादशाहत उसको मिल जाए, तो तुम मेरे हवाले से उनके पास में जाना और उनको याद दिहानी करना कि आपने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के बाद आपने कहा था कि मैं जब बादशाह बन जाऊंगा तो मैं इसका ऐलान करूंगा। उनको याद दिलाना, हो सकता है कि इस बात पर वो ऐलान करे और इसका दुनिया के अंदर अच्छा समरा और अच्छा नतीजा बरामद हो, इसलिए मेरी तुमको ये वसीयत है। उसके बाद बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। चंद सालों के बाद मालूमात हुए कि हाँ वही शहजादा अब बादशाह बन गया है। अब उनके बेटे सफर करके गए, जाने के बाद सोचने लगे कि बादशाह के दरबार में हाजिरी कैसे दूं, इससे कि बादशाह के दरबार में जाना तो आसान नहीं है। कहते हैं कि जाने के बाद सोचने लगे, सोचने के बाद उनके जहन के अंदर एक अजीब बात आई। उन्होंने यह किया कि बादशाह के महल के कहीं आसपास में रात गुजारी। रात गुजारने के बाद जब फजर का वक्त हुआ, पहले उन्होंने तहकीकात कर ली बादशाह का कमरा किधर आता है। बादशाह के कमरे के करीब महल के बाहर से उन्होंने खड़े होकर फजर की अजान जोर से दे दी। फजर की अजान जोर से हुई, बादशाह के कानों से आवाज टकराई, बादशाह जाग गया, कहने लगा ये क्या अजीब आवाज है। लोगों ने कहा कि कोई आदमी है, कोई फकीर है, वो ऐसी बात कर रहा है जोर से। कहा कि बुलाओ उसको। अब उसको बुला के लाया गया। जब वो अंदर आए तो उसने देखकर उनको पहचान लिया और उसको याद आया वो पुराना किस्सा। उनको बिठाया और फिर उसके बाद में पूछा, उन्होंने कहा मैं वो हूं, मेरे बाप का और आपका ऐसा ऐसा वादा हुआ था, आपने उस वक्त मेरे बाप के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था और कहा था जब मैं बादशाह बन जाऊंगा
तो उस वक्त में मैं इसका ऐलान करूंगा, और जब मैं बादशाह बन जाऊं तो मेरे पास आना, मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे वसीयत की आपसे मिलने के लिए, इसलिए मैं आज आया, लेकिन आपके दरबार में आना तो मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए मैंने ये तरकीब की कि अजान दे दी। मुझे यकीन था कि जब अजान की आवाज आप सुनेंगे और बेदार होंगे तो आप तलब करेंगे, इस बहाने में आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। चुनाचे ऐसे ही हुआ, अब मैं आपको याद दहानी करने आया हूं। आपने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था और वादा किया था कि बादशाह बनने के बाद मैं इसका ऐलान करूंगा, अब आपको मौका है ऐलान करने का। बादशाह ने सुनकर कहा कि हां बिल्कुल, मैं अपने ईमान पर बरकरार हूं, मैं अपने इस्लाम पर बरकरार हूं, अब मैं उसका ऐलान करता हूं। वहां ऐलान होने के बाद लाखों तातारी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, यहां से काया पलट हो गई। यह है तारीख का अजीम वाकया। भाइयों, जब हमारे अंदर मजबूती होगी, देखो कैसे अजीब अजीब हालात दुनिया के अंदर चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, कहां से कहां तक को पहुंच जाते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था आपके सामने कि तातारियों का फितना, तारीख का वो फितना है जिसकी कोई नजीर, जिसकी कोई मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिलती, तारीख के अंदर नहीं मिलती। लेकिन मुसलमान उस वक्त भी पिसवा नहीं समझा अपने आप को, उस वक्त भी उसने अपने आप को संभाले रखा, गम में मुब्तला होकर नहीं बैठ गया, बल्कि सोचा तो ये सोचा कि हम कैसे तब्दील करें, कैसे मुकाबला करें, क्या करें, क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करें। यह है मुसलमान का तरीका और मुसलमान का काम। इसको अल्लाह ने कहा वला तहिनू वला तहजलू। हिजाब का मसला पेश आया, आप परेशान न हो। वंदे मातरम की बात उठे, आप परेशान न हो। सूर्य नमस्कार का मसला पेश हो, आप परेशान न हो। बल्कि कोशिश ये हो खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, तालीम हासिल करने वाले नौजवानों के लिए भी, अपनी बच्चियों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, कि दीन पर हम बरकरार कैसे रहे। उन्होंने ऐलान कर दिया सूर्य नमस्कार, हम सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दे, ये इलाज नहीं है, ये तो फंसना है, ये और ज्यादा गिरना है, ये और ज्यादा मुसीबत में जाना है। हमारा काम ये है कि हम अपने दीन के ऊपर बरकरार रहने की कोशिश करें। मुसलमानों में से बाद लोग ऐसे होते हैं, जब ऐसे हालात सामने आते हैं तो वो उन हालात में अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नहीं, दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें तो यह करना है कि हम उसका जवाब दें। जवाब क्या दें? सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत बनाना। इसलिए कि भाइयों, दीन इस्लाम तौहीद का मजहब है, दीन इस्लाम कुफ्र और शिर्क को मिटाने के लिए दुनिया में आया है, और हमारी ये पूरी मिल्लत दरअसल इस आयत की मिसदाक है जिसमें अल्लाह का इरशाद है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ वतनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मत। इस उम्मत को क्यों बर्पा किया गया, इस उम्मत को दुनिया में क्यों जाहिर किया गया? अल्लाह कहते उखरिजत लिन्नास, लोगों की भलाई के लिए इनको दुनिया के अंदर रूनुमा किया गया, इनको दुनिया के अंदर जाहिर किया गया। ये लिन्नास का तर्जमा मैंने किया, लिन्नास का तर्जमा है लोगों को भलाई पहुंचाने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। हम पूरी दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आए। हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम सारी दुनिया के इंसानों के लिए भलाई का सबक पेश करें, अच्छाई का सबक पेश करें। वो अच्छाई का सबक क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। एक काम तो तुमको करना है अमर बिल मारूफ का, और दूसरा काम तुमको करना है नहीं अनिल मुनकर का, अच्छाइयों को फैलाना, बुराइयों से लोगों को रोकना। सारी दुनिया को समझाना है कि अमर बिल मारूफ यानी नेकी, अच्छाई क्या होती है, सारी दुनिया को बताना कि बुराई क्या होती है, शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, कुफ्र कितनी बड़ी बेहकीकत चीज है, उसके अंदर क्या नुकसानात हैं, अल्लाह की तौहीद क्या होती है, नबियों के ऊपर ईमान लाना क्या होता है, अल्लाह ने हमारे लिए क्या असबाब भेजे हैं, क्या तालीमात अता फरमाई है,
सारी दुनिया के सामने इसको रूनुमा कर रहा है, इसको आश्कारा कर रहा है। अल्लाह ने हमको तो दुनिया में इसलिए पैदा किया है, इसलिए नहीं पैदा किया कि वो कुफर का सबक हमको पढ़ाए तो हम काफिर बन जाए, वो शिर्क का सबक हमको दे तो हम भी अपने बच्चों को मुशरिक बना दे, वो सूर्य नमस्कार की तालीम दे तो हम कहें कि भाई बहुत अच्छा हम भी सूर्य नमस्कार कर लेंगे, और वो वंदे मातरम पढ़ने की बात कहें तो हम कहें कि वंदे मातरम पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, हमको नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, न कोई कुफरिया काम करना है, न कोई शिरकिया अमल करना है, न कोई शिरकिया हरकत करना है, न कोई शिरकिया जुबान के ऊपर कलिमात का लाना है। हम इससे परहेज करेंगे और सारी दुनिया वालों को बताएंगे कि हम तौहीद परस्त लोग हैं, हमारी जुबान पर अल्लाह की तौहीद के खिलाफ एक लफ्ज नहीं आ सकता। कोई अमल हमारा तौहीद के खिलाफ हो नहीं सकता, शिरकिया कोई अमल मुसलमान कभी कर नहीं सकता, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हम कोई अमल नहीं कर सकते। अगर तुम कहते हो कि पर्दा हटा लो तो हम पर्दा हटाने को तैयार नहीं, हम तो एक दाढ़ी के बाल पर भी राजी नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ले। अगर वो कहते एक दाढ़ी का बाल निकाल दो, अरे एक नहीं आधा भी नहीं निकालेंगे। हम तो अपनी तौहीद पर, अपने दीन पर, अपने मसाइल पर, अपने अकायद पर, अपनी तालीमात पर, अल्लाह की बंदगी और इताअत पर, रसूल की तालीमात पर हम बरकरार हैं और बरकरार रहेंगे। हमें इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉम्प्रोमाइज कर ले। यह सारी दुनिया को हमें बताना है, सारी दुनिया के सामने इसको आश्कारा करना है। बाकी रहा मसाइल का पेश आना कि भाई जान का खतरा है, माल का खतरा है, तालीम चली जाएगी, बच्चियों की तालीम का क्या होगा, हमारे बच्चों की तालीम का क्या होगा। मुझे याद आ रहा है कि आज से कई साल पहले जब हिंद ये वंदे मातरम के सिलसिले में बहस होती थी और हुकूमत की तरफ से स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ाने के लिए लाजिम और जरूरी करार दिया गया था, उस जमाने में मौजूद थे हमारे दरमियान हजरत मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु। उन्होंने उस वक्त ऐलान किया, बड़ा जबरदस्त ऐलान फरमाया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती तो हम अपने तमाम के तमाम मुसलमानों को इस बात की तालीम देते हैं, इस बात का हुक्म देते हैं और ये फतवा देते हैं कि वो सारे बच्चों को स्कूल से निकाल लें। हम जाहिल बन के तो रह सकते हैं लेकिन काफिर बन के नहीं रह सकते। देख रहे हैं आप, जब ये उन्होंने जो है ऐलान किया, टीवियों में नशर हुआ और जगहों पर जरा इबलाग से इसको आम किया तो हुकूमत उस वक्त अपना कानून वापस लेने पर मजबूर हो गई। इस तरह हमें जमे रहना है, डटे रहना है। दुनिया की तालीम अगर ना पढ़े तो जाहिल नहीं रहते, कुरान की तालीम नहीं पढ़े तो जाहिल रहते हैं। यह भी एक मुसलमानों में कमी आ गई कि वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की तालीम हासिल नहीं करे तो जाहिल। अगर इसका नाम जाहिल है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि सहाबा को जाहिल कहें? क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को जाहिल कहें? क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इमाम राजी को, इमाम गजाली को, इब्ने हजर अस्कलानी को, अल्लामा आइनी को, इन सब को जाहिल करार दें? और मौजूदा दौर में भी जो उलमा हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो हजरात फुकहाए किराम हैं, मदारिस के अंदर बैठकर और ऐसे ही मशायख अपनी खानखाओं में बैठे हुए अल्लाह के दीन की तालीम और अल्लाह के दीन की इशात में लगे हुए हैं, क्या उन सबको आप जाहिल करार देंगे? सबसे बड़ा जाहिल वो होता है अल्लाह की नगर में जो कुरान नहीं पढ़ता, जाहिल वो होता है जो हदीस को नहीं जानता, जाहिल वो होता है जो अपने रब को नहीं पहचानता, जाहिल वो होता है जो अल्लाह के इल्म, अल्लाह की तालीम को नहीं जानता। जो आदमी दुनिया की तालीम को ना जाने
वो एक फन को नहीं जानता, उससे कोई मसला मुतालिक नहीं है हमारी जिंदगी का। ज्यादा से ज्यादा मसला दुनिया का मसला है। लेकिन भाइयों, अगर कुरान का इल्म ना होगा, हदीस का इल्म ना होगा, अल्लाह की पहचान ना होगी, नबियों के तालीमात को हमने नहीं अपनाया, तो हमारा आखिरत का मसला बिगड़ जाए। बहरहाल बताना यह चाहता हूं कि हमें ऐसे मजबूत तरीके पर कायम रहने की जरूरत है कि हम भी ऐलान करें कि हमारे बच्चे जाहिल तो हो सकते हैं, काफिर नहीं हो सकते, वो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, वो वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते। आप अपने बच्चों को जो है इस बात की तालीम दें, और जब हम ऐसी तालीम देंगे बच्चों के अंदर मजबूती आएगी और बच्चे अपने ईमान पर और अपने अकायद पर और अपने दीन की तालीमात पर मजबूती से जमे रहेंगे, तो भाइयों इसके बड़े बेहतरीन नताएज मुरतब होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये तालीम, ये इस बात के नताएज सामने आकर रहते। बसा औकात ऐसा होता है, मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। मेरे एक मामू रहते थे लंदन में, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उनके बच्चे अब तक वहीं हैं। जिस जमाने में उनके बच्चे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त का वाकया, लंदन की स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर प्रेयर होता है, यानी अलग सभा जब स्कूल शुरू होती है तो प्रेयर होता है, जैसे यहां भी होता है। तो उस प्रेयर में जो अल्फाज थे उसमें ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, यानी हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो उनके प्रेयर के अंदर मुख्तलिफ बातों के साथ एक जुमला ऐसा भी था जिसके अंदर यह आया था सन ऑफ गॉड। जाहिर बात है कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का पैगंबर माना जाता है, वो खुदा के बेटे नहीं, खुदा का कोई भी बेटा नहीं, ना खुदा की माँ है, ना खुदा का बाप है, ना खुदा की बीवी है, ना खुदा के बच्चे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना वो जनता है, ना वो किसी से जना गया है, और उसके बराबर कोई नहीं, वो सबसे बुलंद है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा, ये ईसाइयों का अकीदा। वहां पर ईसाइयों के स्कूल के अंदर प्रेयर के अंदर ये जुमला पढ़ाया जाता था। तो बच्चा जब बाशोर हुआ पढ़ते पढ़ते, और घर की तालीम के नतीजे में उसे समझ आ गई कि अल्लाह तो औलाद वाला नहीं, अल्लाह तबारक व ताला की कोई औलाद नहीं हो सकती। अब बच्चा वहां गया और ये जुमला आया, तो पहले दिन तो पढ़ा नहीं, दूसरे दिन से उसने ये किया कि प्रेयर में शिरकत बंद कर दी। प्रेयर के वक्त नहीं जाता था, प्रेयर के बाद जाता, कहीं ठहर जाता, उसके बाद में जाने लगा स्कूल को, जो है अपनी क्लास में जाने लगा। जब ऐसा चंद दिनों तक हुआ तो घर को फोन आया स्कूल से, और कहा गया कि आपके बच्चे के बारे में कुछ जरूरी अहम बात करना है, आप आकर मुलाकात करें। तो ये मियां बीबी मिलकर गए, तो उन्होंने बच्चे की शिकायत की कि बच्चा प्रेयर में अटेंड नहीं होता, शरीक नहीं होता, और कहीं खड़ा रहता है और फिर उसके बाद क्लास में आके ज्वाइन हो जाता है, इसलिए हम आपको बुलाए हैं कि क्या मसला है। अब उनको भी नहीं मालूम था, तो बच्चे से उन्होंने खुद पूछा कि भाई क्यों नहीं शरीक होते। तो बच्चा कहने लगा कि इस प्रेयर में ईसा को सन ऑफ गॉड कहा जाता है, मैं सन ऑफ गॉड उसको नहीं बोल सकता, उनको नहीं बोल सकता, इसलिए मैं अलग खड़ा रहता हूं, इसलिए कि मेरे अकीदे के खिलाफ है। तो मेरे मामू कहते थे कि जब बच्चे ने वो बात कही तो मुझे इंतहाई खुशी हुई और खुशी से आंसू भी निकल गए। वो कहते थे कि मुझे खुद यह तसव्वुर नहीं था कि इस बच्चे के अंदर ईमान की हरारत और ईमान की ये मजबूती होगी, लेकिन जब बच्चे की जुबान से ये हमने सुना तो हमको इंतहाई खुशी हुई और आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं कि फिर उसके बाद मैंने बुलाने वाले जो आई स्कूल के जिम्मेदार से कहा कि आपके स्कूल के मुताबिक
इसके अंदर शिरकत जरूरी है या सिर्फ क्लास में शिरकत जरूरी है? इस पर वो खामोश हो गया, कहने लगा हाँ ये तो हमारा अलग मसला है, तालीमी सिलसिले में स्कूल को आना और स्कूल की क्लास में दाखिल होना ये तो शर्त है, प्रेयर में आना शर्त नहीं। उन्होंने फिर कहा प्रेयर में तो आ सकते हैं लेकिन आपका प्रेयर अगर हमारे अकीदे के खिलाफ हो तो हम कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम ये मानते हैं। फिर उस बच्चे को उन्होंने मुस्तस्ना कर दिया और कहा कि ठीक है तुम सिर्फ क्लास में आ जाओ। ये लंदन की एक स्कूल का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं जहां पर सिर्फ वही लोग हैं, वहां पर हम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मुसलमान अपने अकीदे पर मजबूत रहता है बच्चों के अंदर भी अकीदे की मजबूती आती है और वो इस तरह जम जाता है, अल्लाह की मदद आती है और इस तरीके पर नताइज मुरतब होते हैं। आज जरूरत इसी बात की है, अल्लाह ने हमसे यही कहा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान में सच्चे हो, अगर तुम ईमान में पक्के हो, अगर ईमान में तुम मजबूत हो, ईमान के लवाजिमात के साथ बरकरार हो तो तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम ही हर जगह सर बुलंद रहोगे, तुम ही आगे आगे रहोगे, तुम्हारा ही सर ऊंचा रहेगा, इसलिए तुमको न गम करने की जरूरत न परेशान होने की जरूरत है, इसलिए कि सब कुछ कुछ दिन होता है लेकिन तुम ईमान पर मजबूत रहने की कोशिश करो। इसलिए मेरी माओ से कहता हूं, मेरे भाइयों से कहता हूं, मेरे दोस्तों से कहता हूं, मेरे बच्चों से कहता हूं, मेरी बच्चियों से कहता हूं, स्कूल के जाने वाले स्टूडेंट से कहता हूं, जाने वाली तालिबात से कहता हूं कि वो अपने दीन पर मजबूत रहें और ये ठान ले अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हम नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक चीज भी नहीं करेंगे। इसके ऊपर दिल के अंदर जमाव पैदा करें, अपने आप को मजबूत बनाएं। जब आप मजबूत हो जाएंगे दुनिया की ताकतें हमारे सामने झुकना शुरू हो जाएगी। आज यह होता है कि एक तरफ मुसलमानों में से कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम दीन वाले दीन के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हम में ही से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पर्दा क्या जरूरी है, क्या पर्दे के बगैर नहीं जा सकते, क्या इस बात की जरूरत, क्या जो है मौजूदा हालात में चेंजेस नहीं आ सकते, ये जमाने दराज की बात है, पहले की बात है, आज के जमाने में हालात बदल गए, आपके जमाने आज के जमाने के अंदर मसले बदल गए, इसलिए हमको जरा सा चेंजेस लाना चाहिए। इस किस्म के बयानात देते हैं, इस किस्म की चीजों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि इसका अंदाजा इसका नतीजा यह होगा कि वो लोग ये देखेंगे कि इनके अंदर खुद यूनिटी नहीं, इनके अंदर खुद इत्तेहाद नहीं, इनके अंदर इन मसाइल के अंदर इत्तिफाक नहीं है। एक जमात यह कहती है कि हम दीन पर मजबूत और दूसरे लोग कहते हैं जरूरी नहीं। पर्दा जरूरी है कि गैर जरूरी, बहस चल रही है कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर बहस जारी है कि शरीयत के लिहाज से ये कितना जरूरी है कितना जरूरी नहीं। अब एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जरूरी, दूसरी तरफ हम लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं गैर जरूरी। एक साहब पुलिस में थे, किसी आलिम का बयान उन्होंने सुना, उनके दिल के ऊपर असर हुआ, उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू कर ली। जब उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू की तो उनका जो बॉस था उसने कहा कि आप दाढ़ी क्यों रख लिए? उन्होंने कहा भाई मेरा शौक है, मेरे दीन की बात है, मेरे मजहब की चीज है। तो उसने कहा तुम्हारे मजहब की अगर चीज है तो ये देखो तुम्हारे भाई यहां बैठे हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये भी मुसलमान हैं, इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं तो तुम क्यों दाढ़ी रख लिए? यानी हमारे में से कुछ लोग दीन को जब छोड़ देते हैं वहां पर कमजोरी आ जाती है, वहां पर दूसरे को मौका मिल जाता है। वो कहता है कि जरूरी होता ये भी दाढ़ी रखता, जरूरी होता ये भी पर्दा करते, जरूरी होता ये भी दीन पर कायम रहते, लेकिन मालूम होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है। इस वजह से वो ये अक्ज कर लेते हैं कि दीन के अंदर ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए मेरी माँ और बहनों दीन पर जमे रहो, दीन के ऊपर इस्तकामत के साथ कायम हो जाओ, और नौजवान बच्चों आप लोगों को भी दीन के ऊपर मजबूती दिखाने की जरूरत है।
मजबूती का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करें, बल्कि हम दीन पर मजबूती का यह मतलब लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए दीन पर मजबूत हो जाए, दिखाने के लिए नहीं, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह को डर कर, अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए दीन पर कायम हो जाए, दीन के ऊपर मजबूत जम जाए। जब अल्लाह के लिए कायम हो जाएंगे दीन पर, दुनिया की सारी ताकतें हमारे सामने झुकेंगी। लेकिन होता यह है कि हम में से कुछ लोग दीन पर कायम भी होते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फर्क एक है, लोगों को दिखाने के लिए दीन पर आना। मसलन अब मसला चल रहा है पर्दे का, अब मसला पर्दे का चल रहा है, तो कुछ बच्चियां, कुछ स्कूल वाले, पढ़ने वाले पर्दा दिखा रहे। एक है पर्दे का दिखाना, एक है पर्दे का करना। पर्दा क्या होता है? गैर के सामने बिल्कुल नहीं आ सकती औरत, आई तो जरूरतन पूरे पर्दे के साथ आना जरूरी। गैर जरूरी बातचीत भी नहीं कर सकती, बातचीत करे किसी गैर मर्द से, कुरान हुक्म देता है कि वहां पर जो है नरमी के साथ अपनी आवाज को बनाकर बात न करो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इनि तकीतुन्ना फला तखज़ाना बिल कौल। किसी से बात करने की जरूरत पड़ जाए तो अपनी बातचीत में नरमी ना पैदा कर लो, यानी ऐसा नर्म अंदाज के सामने वाले का दिल लुभाना शुरू हो जाए। अल्लाह ने इससे मना किया, यह भी पर्दे के अंदर दाखिल है। लेकिन अब जो पर्दा है वो दिखाने का पर्दा है, एक करने का पर्दा होता है, एक दिखाने का पर्दा होता है। दिखाने का पर्दा तो वो मीडिया को दिखाया जा रहा है, मीडिया में औरतें आगे खड़ी हुई हैं, ये पर्दा है। जब सामने आ रही है औरतें, दिखा रही है अपने आप को, ये पर्दा क्या हुआ? शरीयत का पर्दा। शरीयत का पर्दा तो ऐसा है कि उस पर्दे के मुताबिक रहे तो सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब हो रहा है दिखाने का पर्दा, करने का पर्दा नहीं। अल्लाह ये देखते हैं, हमारी नियतों को देखते हैं, हमारे खुलूस को देखते हैं, हमारी लिल्लाहियत को देखते हैं। ये मेरे दीन पर जमे हैं, ऐसे दिखाने दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक है नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ना, एक है खुद को नमाजी बनाना। नमाजी बनाओ तो उसका समर अलग, उसका नतीजा अलग, वो अल्लाह आपको देखते हैं। और यह है कि आप किसी को दिखाने नमाज पढ़े, दिखावे की नमाज अल्लाह के यहां मकबूल नहीं। पर्दा भी दिखाने का पर्दा हो, अल्लाह के यहां मकबूल नहीं। मेरी बच्चियां और ये औरतें अपने आप को पर्दे में रखें, हकीकी पर्दे के अंदर रखें, दिखावे का पर्दा नहीं। जब ऐसा पर्दा आएगा सारी हुकूमतें आपके सामने झुकेंगी। हम भी अपने दीन के ऊपर इस तरह मुख्तलिफ मसाइल में जम जाए तो फिर अल्लाह हमें जो है अल्लाह तबारक व ताला की नजर में हम मुसलमान, अल्लाह की नजर में हम कामिल, अल्लाह की नजर में हम मुत्तकी, अल्लाह की नजर में हम मुती व फरमाबरदार, उसके समरात दिखने शुरू हो जाएंगे। एक नुक्ते की तरफ मैंने इशारा दिया, मैं ज्यादा इसे खोलना नहीं चाहता, इसलिए बस इशारा इशारा दे दिया। यह समझ लेना है, एक है किसी चीज को दिखाने के लिए करना और एक है अल्लाह के वास्ते करना। दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होता है। इस फर्क को वो बंदे समझ सकते हैं जो जरा भी सोच विचार की अपने अंदर सलाहियत रखते हैं। आज ये बात नहीं नजर आ रही है, इसलिए हम अल्लाह की निगाह में पर्दे वाले नहीं हो रहे, अल्लाह की निगाह में नमाज वाले नहीं हो रहे, अल्लाह की निगाह में इताअत वाले नहीं हो रहे, इसलिए कि हम तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो मेरी माँ और बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, हम सबको दीन पर इस्तकामत, दीन पर जम जाने की जरूरत है। जब दीन पर हम जम जाएंगे दुनिया के अंदर हालात तो आएंगे। दुनिया उसी का नाम है जहां हालात आते हैं, जहां मसाइल पैदा होते हैं, जहां आपको झिझोड़ा जाता है, जहां आपके साथ ये सब खिलवाड़ किया जाता है, आपको चैलेंज किया जाता है। दुनिया तो इसी का नाम है। ऐसी हालत के अंदर रहते हुए
दीन पर जम जाना, दीन के ऊपर मुस्तकीम हो जाना, किसी चीज की परवाह किए बगैर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, यह है अल्लाह का मुतालबा। ऐसे वक्त में अच्छे और बुरों का फर्क हो जाता है, यह समझ में आ जाता है दीन पर कायम रहने वाले कौन, और यह भी समझ में आ जाता है दीन से फिर जाने वाले कौन। कुछ लोग वो होते हैं इन हालात के अंदर जो है दीन से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, भाई चलो कोई बात नहीं, पर्दा निकाल दो, हमारी तालीम बहुत अहम है, हमारी बच्चों की तालीम बहुत अहम है, हमारी तालीम के लिए हमें ये सब कुछ कुर्बानी कर देनी चाहिए, वहां पर ये कुर्बानी कर दी जाती है। इसी तरीके पर सूर्य नमस्कार का मसला आता है, वहां भी बाल लोग कहने लगते हैं कि कोई मुजायका नहीं, हमारा ईमान तो उस पर नहीं है ना, जब ईमान उस पर नहीं, अजान देंगे, अच्छा कर दी, ये हालात जो लाए जाते हैं ये अल्लाह की तरफ से लाए जाते हैं, और इसलिए लाए जाते हैं ताकि अच्छों और बुरों के दरमियान में फर्क हो जाए। कौन अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के अहकाम को मानने वाला, तौहीद का कायल है, और कौन ऐसा है जो दुनिया का लालची है, दुनिया की हिर्स और हवा में गिरफ्तार है, जो दुनिया चाहता है, दुनिया के लोग दुनिया चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि बस हमारी तालीम हो जाए, तालम हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमें माल मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, वो हो जाए, दुनिया के अहदे मिल जाए, मनसब मिल जाए। रही आखिरत तो उनकी निगाह में आखिरत होती ही नहीं, वो इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं। इसलिए ऐसे लोग जब ये हालात आते हैं तो फिर वो हालात के साथ हो जाते हैं, उन हालात में अपने आप को दीन पर कायम रखने के बजाय दीन को छोड़ने तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी निगाह में तो सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, दुनिया का ओहदा चाहिए, दुनिया की तालीम चाहिए, दुनिया का मनसब चाहिए, मालो दौलत चाहिए, इसलिए उनकी निगाह में सिर्फ दुनिया है, वो दुनिया को तरजीह देकर दीन को छोड़ देते हैं। अल्लाह यही बताना चाहते हैं कि दीन पर रहने वाले कौन हैं और दीन को छोड़ने वाले कौन हैं। देखो अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। खाने में, पीने में, तमाम चीजों में, अपने वजूद में और अपने वजूद के मकाम में, सब चीजों में हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। इसीलिए कुरान ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु मय्यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो आदमी दीन से फिर जाए अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, فسوف يأتي الله بقوم, अल्लाह एक और कौम को लाएगा, एक और कौम को खड़ा कर देगा, ऐसी कौम يحبهم وَيُحِبُّونَ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّ اللَّهُ, यानी ऐसी कौम अल्लाह पैदा कर देंगे जो अल्लाह को चाहने वाली और अल्लाह उनको चाहने वाला। अल्लाह उनको चाहते हैं और वो अल्लाह को चाहते हैं, वो दुनिया को नहीं चाहते, दुनिया के ओहदों को नहीं चाहते, दुनिया के मनसब को नहीं चाहते, वो अल्लाह को चाहते हैं। वो कहते हैं दुनिया मेरी गारत हो तो हो, लेकिन मैं अल्लाह को छोड़ नहीं सकता, ये उनका मिजाज होता है। अल्लाह कहते हैं तुम अगर दीन से फिर जाते हो दुनिया के वास्ते,
अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह ऐसी कौम को लाके खड़ा करेंगे जो अल्लाह को चाहने वाली और अल्लाह उनको चाहने वाला। और आगे एक और जुमला है, अल्लाह ताला कहते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम, ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दीन के सिलसिले में मुजाहदा करते, जो अल्लाह के दीन के सिलसिले में जिहाद करते, वो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत और मुजाहदा करते हैं। और उसके बाद में कहा वला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत की कोई परवाह नहीं करते। अगर हमारी दाढ़ी पर कोई मलामत करता है, हमारे पर्दे पर कोई मलामत करता है, हमारे अकीदे पर कोई मलामत करता है, हमारी नमाजों पे कोई मलामत करता है, हमारी मीनारों पे कोई मलामत करता है, हमारे ड्रेस पर कोई मलामत करता है, हम कोई परवाह नहीं करेंगे, ये उनका मिजाज होता है। ला यखाफून लौमत लाइम, दुनिया के अंदर मलामत इन चीज़ों पर करने वाले हर दौर में पैदा होते रहे। अजान पर एतराज करने वाले आज ही नहीं कर रहे हैं, कुरान के अंदर जिक्र मौजूद है कि अजान पर खिलवाड़ करने वाले लोग उस जमाने में भी थे। जब अजान होती थी अजान का मजाक उड़ाते थे, अजान का ठट्टा किया जाता था, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। अगर आज ठट्टा करते हो अल्लाह के नाम का कोई ताज्जुब की बात नहीं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हो कोई ताज्जुब की बात नहीं, पर्दे का मजाक उड़ाते हो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा क्या किरदार हो, वो किरदार हो जो उन लोगों के किरदार है जो अल्लाह ने यहां पर बताया ला यखाफून लौमत लाइम, मलामत करने वाले की कोई मलामत ना करो। वो मलामत कर ले तो क्या हम दाढ़ी मुड़ा लेंगे, वो मलामत करे तो क्या हम पर्दा छोड़ देंगे, वो मलामत करे तो क्या हम नमाज को तर्क कर देंगे, वो मलामत करे तो क्या अजान बंद कर देंगे? नहीं, हम सबको बर्दाश्त करेंगे और उनके ठट्टों का, उनके मजाक का, उनको हवाले कर कर, अल्लाह के हवाले कर कर अपने दीन पर हम कायम और दायम रहेंगे। यह है मुसलमानों का मिजाज। अल्लाह ऐसी कौम को चाहते हैं। जब लोग ऐसे हालात में उधर होते हैं अल्लाह कहते हैं तुम्हारे रहने की दीन में कोई जरूरत नहीं, जाओ मैं दूसरी कौम को लाऊंगा। चुनाचे देखा जाता है कुछ लोग तो मुसलमानों में वो होते हैं जो गैरों से इन चीजों में साजबाज करते हैं, दुनिया की खातिर उधर हो जाते हैं और अल्लाह उधर से लोगों को इधर लाना शुरू कर देते हैं। कई लोग मुसलमान हो जाते हैं, दीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे वाकियात रोजाना आप पढ़ते रहते हैं, इधर से जाने वाला उधर गया, उधर से आने वाला इधर आया। ये जाने वाला क्यों गया? इसका ईमान नहीं था, इसके दिल के अंदर कदूरत थी, इसके दिल के अंदर निफाक था। अल्लाह छांट देते हैं कि ये चला जाए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं और कौम को लाऊंगा, गैरों में से लाऊंगा, दिल के जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का प्यार है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है, जिनके दिलों के अंदर जज्बा है दीन के ऊपर कायम होने का, ऐसे लोगों को दीन पर लाऊंगा। मैं ये वाकया बार बार सुनाता हूं मुख्तलिफ मजालिस में। आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले का वाकया, रमजान मुबारक का महीना था, इफ्तार करके तरावी की तैयारी करनी थी, बैठा था, एक फोन आया तो मैं फोन उठाया तो एक लड़की की आवाज सुनाई थी। मैंने पूछा कौन? वो लड़की कहने लगी कि मेरा नाम ये है, मैं एक नौ मुस्लिमा हूं, आपसे एक मसला पूछना चाहती हूं, लेकिन मसला पूछने से पहले मेरी थोड़ी सी कहानी आप सुन लीजिए। मैंने कहा हाँ बताइए। तो वो लड़की बताने लगी कि मैं मेरे माँ बाप के साथ लंदन में रहती हूँ, तालीम हासिल करने के लिए बेंगलोर में एक कॉलेज में मेरा दाखिला किया गया था, मेरे माँ बाप तो वहीं रहते हैं लेकिन मुझे यहाँ दाखिला कराया गया और उस दौरान मेरा ताल्लुक बास मुसलमान तालिबात से हुआ जो मेरी साधन थी, तो उनके साथ उठते बैठते दीन की बात सुनने का, ईमान के बारे में सुनने का मुझे मौका मिला, तो मेरे दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत आ गई, इस्लाम की मोहब्बत आ गई, तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया।
اندرونی طور پر اس کا اظہار میں نے نہیں کیا، لیکن میرے طرز عمل سے وہاں کے عملے کو معلوم ہو گیا کہ اس میں کچھ تبدیلی ہے اور یہ غالباً مسلمان ہو گئی ہے۔ تو ان کو علم میں آنے کے بعد انہوں نے میرے ماں باپ کو اطلاع کر دی۔ جب ماں باپ کو اطلاع ہوئی تو میرے باپ نے میری ماں کو فوراً بھیجا اور جا کر مجھے یہاں سے نکال لینے کا آرڈر دے دیا۔ میری ماں آئی اور مجھ کو یہاں سے کالج سے نکال کے لے گئی، اور ہمارا گھر جو ہے اس نے بتایا کہ کسی علاقے میں، اس نے بتایا، بھول رہا ہوں میں، ہاں جے پور میں میرا گھر ہے ہمارے ماں باپ کا، وہاں پر جو ہے وہ لے کر گئی میری ماں اور مجھے اپنے کسٹڈی میں رکھی ہوئی ہے۔ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی، مجھے ذکر کرنے نہیں دیتی، مجھے کوئی دین کا کام کرنے نہیں دیتی، اور روزانہ میرے اوپر مصیبت ڈھاتی ہے اور ایسی ایسی چیزیں پکا کے کھلاتی ہے جو ہمارے دین میں حرام ہے، ناجائز ہے، وہ چیزیں مجھے کھانے کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ بہرحال ایسا میرا دور چل رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں دین کے اوپر قائم رہنا چاہتی ہوں لیکن میری ماں مجھے دین کے اوپر قائم رہنے نہیں دیتی، یہ میری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بولیے کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ بھی سنے تو حیران رہ جائے گی کہ اس نے کیا مسئلہ پوچھا۔ اس نے مسئلہ یہ پوچھا کہ میں جب کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیں بھی کھڑی ہوتی ہوں گھر میں تو میری ماں آ کر مجھے مارتی ہے، دھکیل دیتی ہے، میرا مسلح اٹھا لیتی ہے، مجھے نماز پڑھنے بالکل نہیں دیتی، لیکن میں نماز چھوڑنا نہیں چاہتی، پوری پوری کوشش کرتی ہوں لیکن ہر صورت میں میری ماں مجھے نماز پڑھنے سے روکتی رہتی ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہی آپ سے پوچھنے کے لیے میں نے فون کیا ہے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب میں ٹوائلٹ میں جاتی ہوں وہاں تو میری ماں مجھے نہیں دیکھتی، گھر میں کہیں بھی میں نماز پڑھتی ہوں میری ماں آ جاتی ہے، اس کمرے میں ہو یا اس کمرے میں، اور مجھے مارتی ہے، ڈھکیل دیتی ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتی، لیکن میری ماں ٹوائلٹ میں تو نہیں آتی۔ کیا اچھا ہو کہ اگر شریعت میں ٹوائلٹ میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو میں ٹوائلٹ میں نماز پڑھ لیا کروں۔ مولانا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہاں نماز پڑھوں تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائیو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ جو ہی میں نے اس کا یہ سوال سنا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ عجیب قسم کی کیفیت، رونے کی کیفیت ہو گئی، رونے لگا، گھر کے لوگ پوچھنے لگے کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ خیر سنبھلنے کے بعد میں نے اس کو جواب دیا، اور جو جواب دیا وہ جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میری بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بھی بیٹھ کے سن رہی ہیں، یہ غور سے سنے، یہ سوال بھی سنے جو ابھی سامنے آپ کو بتایا۔ کیسا عجیب سوال ہے، آج ہمیں موقع ہے نماز پڑھنے کا، ہمارے گھروں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے دکانوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں، ان کو کوئی مارنے والا نہیں، لیکن نماز پڑھ بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن یاد رکھو، ایک بزرگ نے ایک بات کہی کہ جب دین پر چلنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو پھر بھی لوگ دین پر نہیں چلتے، اللہ عذاب کے طور پر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دین پر چلنا بھی چاہے تو نہیں چل سکتے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے، جب حالات سازگار ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں نماز پھر بھی نہیں پڑھتے، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ پھر پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا ہے، اس بچی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ میں کہیں نہیں پڑھ سکتی تو ٹوائلٹ میں اگر پڑھ سکتی ہوں تو وہاں پڑھ لے۔ میں نے جواب دیا اس بچی کو، میں نے کہا کہ اگر تمہارے ٹوائلٹ میں اتنی جگہ ہے کہ تم وہاں اپنا مسلح بچھا کر نماز پڑھ سکتی ہو یا کوئی موٹا سا کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتی ہو تو بڑے شوق سے وہاں تم نماز پڑھو۔ اور میں نے ایک جملہ اسے کہا، میں نے کہا کہ میرا خیال ہے، میرا یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر تم وہاں اس طرح نماز پڑھو گی تو ہم لوگ جو اپنی مسجدوں میں مقدس جگہوں میں پڑھتے ہیں اس سے کروڑ درجہ تمہاری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ یہ نماز عشق ہے بھائیو،
हम तो नमाज जुल्मन पढ़ रहे हैं, दिखाने को कोई पढ़ रहा है, पढ़ो बोले तो भी नहीं पढ़ता है, और वहां वो पढ़ने को यूं जा रही है अल्लाह के इश्क में, ये अल्लाह के इश्क की नमाज है, क्यों कबूल ना हो? टॉयलेट में हो तो क्या हुआ, खुदा तो वही है जो देख रहा है। कितना इबरतनाक वाकिया। मैं ये बता रहा था आपको, हमें दीन के ऊपर जमने की जरूरत है। जब हम दीन पर यूं जम जाएंगे तो हमें कोई तस्मस नहीं कर सकता। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम इताअत वाले हो, अगर तुम दीन पर अच्छी तरह कायम हो, अल्लाह के अहकाम को लेकर चलने का तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो कौन सी ताकत तुमको मना कर सकती है? कोई ताकत तुमको मना नहीं कर सकती। आएंगे हालात, हालात का मुकाबला करो। आए तो हालात, डरना क्या है? आए हालात तो हमें दीन पर कायम रहने की कोशिश करना और अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं तेरे दीन पर कायम रहना चाहता हूँ, मैं तेरे दीन पर बरकरार रहना चाहता हूँ, मेरी बच्ची को बरकरार रखना चाहता हूँ, मैं सूर्य नमस्कार करना नहीं चाहता, मेरे बच्चे को मैं काफिर बनाना नहीं चाहता, मेरी बच्ची को मैं काफिर बनाना नहीं चाहता, किसी फर्द को मैं काफिर बनाना नहीं चाहता, सूर्य नमस्कार हो या वंदे मातरम हो या और कोई हो, ऐ अल्लाह मैं नहीं चाहता। जब मैं नहीं चाहता तो तू मेरा इम्तिहान न ले, मुझे दीन पर इस्तकामत अता फरमा, मेरे बच्चों को दीन पर इस्तकामत अता फरमा, दीन के उनको घरों में तालीम दो, उनको ईमान क्या है बताओ, उनको तौहीद क्या है बताओ, अल्लाह क्या है बताओ, रसूल क्या है बताओ, दीन के अहकामात के फजाइल बयान करो, पर्दे और बुर्के के फजाइल बयान करो। लोग कहते हैं कि पर्दे में रहे, पर्दे में रहते हुए तालीम नहीं हो सकती, पर्दे में रहते हुए तरक्की नहीं हो सकती। भाइयों, पर्दे में रहते हुए सब कुछ हो सकता है। एक जमाना था, हजरत आयशा की मिसाल मौजूद है, हजरत अमरा की मिसाल मौजूद है, हजरत उम्मे सलमा की मिसाल मौजूद है। उसके बाप के अदबार में कई बेहतरीन खातून ऐसी पैदा हुई है जो इल्म के अंदर तरक्की के जीनों को तय करते करते इंतहाई उरूज पर पहुंच गई, जिनका कोई जवाब दुनिया में न था। हजरत आयशा के बारे में हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी खाला हजरत आयशा सिद्दीका से बढ़कर कोई आलिम नहीं देखा, कोई डॉक्टर नहीं देखा। हजरत आयशा डॉक्टर भी थी, हजरत आयशा आलिमा भी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके वालिद मोहतरम हजरत उमर बिन खत्ताब, इतने जलील कदर खलीफा रसूल, जब मसले पेश आते थे हजरत आयशा की तरफ रुजू किया करते थे। डॉक्टर भी वो थी, बहुत सारे तिब के उसूल, तिब के मसाइल वो सब जानती थी, इलाज किया करती थी। पर्दे में रहते हुए क्या नहीं हो सकता? अगर पर्दा हायल होता इनमें तो ये कैसे बन जाती? हजरत अमरा बहुत बड़ी आलिमा थी, जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की शागिर्दा थी, ताबईया हैं, बहुत बड़ी ताबईया हैं, जलीलुल कद्र उलमा उनकी खिदमत में जाते थे और उनसे हदीस का इल्म हासिल किया करते थे। कैसे कैसे लोग जलील कदर ताबाई उनकी खिदमत में जाते और उनसे इल्म हासिल किया करते थे, यानी मर्द लोग भी उनसे इल्म हासिल करते थे। पर्दे के साथ, पर्दे के साथ तालीम दी भी जा सकती है, तालीम ली भी जा सकती है, तरक्की की भी जा सकती है। मैं ये वाकया भी चंद दिन पहले सुनाया, अल्लामा काजानी बहुत बड़े बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, मुश्तहिद इमाम गुजरे हैं, और उनकी एक किताब है, उसका नाम है बदाइउस सनाए, आठ इतनी बड़ी बड़ी जिल्दों में। वो बुजुर्ग अल्लामा कासानी, उनके उस्ताद के पास पढ़ते थे तो उनके अखलाक, किरदार, उनका इल्म, उनका तफक्को, उनकी बसीरत, उससे बड़े मुतासिर हुए उनके उस्ताद, और उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि मैं तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करना चाहता हूं। खैर, बातचीत होने के बाद वो राजी हो गए। राजी जब हो गए तो उनके उस्ताद ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं अपने शागिर्द से तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूं, क्या तुमको मंजूर है? बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपको मंजूर है तो मुझे क्या इश्काल, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। एक शर्त यह है कि आपकी लिखी हुई जो किताब है फिका में,
वो आपके शागिर्द उसकी शरा लिख दे, वो शरा लिख के लाएंगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा। शब्द भी अजीब गरीब, आपने जो किताब लिखी है उसकी शरा हो लिखने तैयार हो, अगर वो शरा लिख सकते हो तो मैं उनसे शादी करूंगी। उनकी बेटी खुद बहुत बड़ी आलिमा थी, बहुत बड़ी फकीहा थी, और दूसरी शर्त उन्होंने लगाई कि मेरी शादी होने के बाद जब ये फतवा लिखा करे तो उस फतवे पे मेरे दस्तखत भी लेना होगा, उस फतवे पर मेरे भी दस्तखत लेने होंगे। दोनों बातों पर राजी होकर अल्लामा कासानी ने अपने उस्ताद की लिखी हुई किताब की शरह लिखी। उनकी उनके उस्ताद की किताब का नाम है तोहफतुल फुकहा, उसकी शरह लिखी बदायूं सनाए के नाम से, 8 इतनी बड़ी बड़ी जिल्दों में शरह लिखकर लाकर उस्ताद के सामने पेश की। उस्ताद ने कहा, बेटा तुमने तो ऐसी शरह लिखी कि अगर मेरी किताब की शरह मैं खुद भी लिखता तो शायद इतनी अच्छी ना लिखता, मैं खुद भी लिखता तो शायद इतनी अच्छी ना लिखता। बेटी के सामने पेश किया, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। बेटी ने तैयारी की, शादी हो गई। उसके बाद कहते हैं कि शादी होने के बाद अल्लामा कासानी जब फतवा लिखते थे उनके दस्तखत के साथ उनकी बीवी के दस्तखत भी किए जाते थे। अगर इत्तेफाक से कोई फतवा उनकी बीवी के दस्तखत के बगैर बाहर चला जाता तो लोग कहते कि भाई बीवी का दस्तखत नहीं है, कोई मसला है क्या, क्या है, कोई इश्काल है क्या इसमें, लोग इस तरह के तबसरे करते। जब तक बीवी का दस्तखत ना होता लोग उस फतवे को मोतबर ना समझते थे। यह आलम था। अल्लामा कासानी की बीवी अल्लामा कासानी से बड़ी आलिम, वो कासानी पढ़ लो उनकी किताब, उलमा जानते हैं कि उनकी किताब का मकाम क्या है, कैसे अंदाज की किताब है। जो लोग मेरे से पूछा करते हैं तलबा कि हम जो है फिकियात में मुताला करना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन किताब बताइए, मैं उनको यही किताब बताता हूं, बताइए उस सनाए पढ़ो, उससे बेहतर कोई किताब नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं कि पर्दा रुकावट का है, पर्दे से बैठकर इतने बड़े आलिमा फाजिला बड़े बड़े मुहद्दिसा फकीहा सब बनती चली गई औरतें, इससे मालूम हुआ कि पर्दे कोई रुकावट पैदा नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं हमें ये चीजों को छोड़कर अल्लाह के दीन के ऊपर मजबूती से कायम हो जाने की जरूरत है। जब हम मजबूत हो जाएंगे अल्लाह खुद ब खुद रास्ते निकालेंगे। और बाकी इसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए, किस तरीके पर मशवरे होना चाहिए, कार्रवाइयां कैसे करना चाहिए, कोर्ट में जाए मसला तो हमें क्या करना चाहिए, वो लोग जो करने वाले हैं वो इस सिलसिले की कार्रवाइयां जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई तदबीर ना करे, कोई हिकमत अमली इख्तियार ना करे, बल्कि करना जरूरी है। उन हिकमत अमलियों के हिकमत अमली के साथ साथ तदाबीर के साथ साथ वसाइल के इख्तियार करने के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि हम दीन पर मजबूत हो, अपने बच्चों को दीन के ऊपर मजबूत रखें, उनको घरों में और मदारिस में ऐसे असबाब दे कि वो दीन के ऊपर मजबूत हो जाए और दीन को छोड़ने के लिए एक मिनट के लिए भी तैयार हो। यह होना चाहिए। जब यह होगा तो इंशाल्लाह बात ऐसी होगी जैसे अल्लाह ने फरमाया है, वह अंतुमुल आलून, तुम ही सर बुलंद रहोगे, घबराते क्या हो, परेशान क्यों होते हो, दहशत में वहशत में मुब्तला क्यों होते हो, मायूस क्यों होते हो और अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो। अल्लाह कहते हैं कमजोर न समझो, परेशान ना हो, गम में मुब्तला ना हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, लेकिन मेरी एक शर्त को पूरा कर लो। अल्लाह के कलाम का तर्ज भी बड़ा अजीब है यार। शर्त आखिर में बयान की, शर्त का नतीजा पहले बयान कर दिया, शर्त का नतीजा पहले बयान कर दिया, शर्त बाद में बयान की। अल्लाह कहते हैं अंतुमुल आलून, ये हमारी धारस बनाने के लिए, हमको ऊंचा उठाने के लिए, हमको तसल्ली देने के लिए। अल्लाह कहते हैं अंतुमुल आलून, तुम ही सरबलंद हो, तुम ही ऊंचे हो, तुम ही आगे जाओगे, कोई तुम्हारे सामने टिकने वाला नहीं, क्यों परेशान होते हो, क्यों तुम इधर उधर भिखारी बनते हो, इधर उधर निगाह क्यों डालते हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम अपने दीन पर रहो, एक मेरी शर्त मान लो, इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ईमान पर रहो, ईमान के उसूल पर रहो, ईमान के लवाजिमात पर रहो,
ईमान के तरीके पर रहो, इताअत सर्व इताअत के ऊपर कायम रहो। जब तुम ये करते रहोगे तो काम सरबलंदी का मैं करने वाला हूं। क्या दुनिया की कोई ताकत किसी को सरबलंद कर सकती है? सरबलंद तो करने वाला अल्लाह है, नीचा करने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और यह हमारा अकीदा है, इस अकीदे का जिक्र कुरान करीम साफ अल्फाज में करता है। ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप फरमाइए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, ऐ मालिकुल मुल्क, पूरी कायनात के मालिक, हमारा रब कौन है? हमारा रब पूरी दुनिया का मालिक है, आसमान का मालिक, चांद का मालिक, सूरज का मालिक, जमीन का मालिक, जमीन के खजानों का मालिक, आसमान के खजानों का मालिक, वो जन्नत का मालिक, वो दोज़ख का मालिक, वो इंसानों का मालिक, वो सारी कायनात का, उसके जर्रे जर्रे का, उसके चप्पे चप्पे का मालिक। कौन सी चीज है जो अल्लाह के इख्तियार से बाहर? कौन सी चीज है जो अल्लाह की मिल्कियत से बाहर? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह मैं मालिकुल मुल्क, पूरी कायनात के बादशाह। कहकर क्या कहा गया आगे है, मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा वो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, आप जिसको चाहते हैं हुकूमत देते हैं, जिसको चाहते हैं उससे हुकूमत छीन लेते हैं, और जिसको चाहते हैं इज्जत से नवाजते हैं, जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। अगर हमको इज्जत मिलनी है अल्लाह से मिलनी है, दुनिया की कोई ताकत देने वाली नहीं। अगर दुनिया में हमें सरबलंदी चाहिए, दुनिया में हमें इज्जत का मकान चाहिए, दुनिया में हमें जो है ऊंचा रहना है, तो फिर अल्लाह से मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह ने जो शर्त कही उसको पूरा करने की कोशिश करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, मैं तुम्हें सरबलंद करूंगा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, सारी दुनिया को तुम्हारे सामने झुका दूंगा। क्या झुका के अल्लाह ने नहीं दिखाया? सहाबे किराम के वाकियात को पढ़ो, इन्होंने यही कुरान पढ़ा था, इन्होंने यही तालीमात को लिया था, इन्हीं तालीमात पर जब वो कायम और दायम हो गए, सारी दुनिया ने तमाशा देखा कि उनके सामने सारी दुनिया झुकती चली गई थी। और आज हम बड़ी तादाद में हैं, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं झुक रहा है, हमको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करना है? अल्लाह को बोलो, बोलो अल्लाह से रुजू करो, ऐ अल्लाह आपने कहा था अंतुमुल आलोन, तुम ही सरबलंद रहोगे, हम सरबलंद रहना चाहते हैं, और अल्लाह आपने एक शर्त रखी थी इन कुंतुम मोमिनीन, हम वो शर्त को पूरा करने जाते हैं, हम इसके लिए मुजाहदा करते हैं, हम इसके लिए तकालीम बर्दाश्त करते हैं, हम सब कुछ को इसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमको सरबलंद कर दीजिए। आप ये कर कर देखो और कह कर देखो होता है कि नहीं होता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम आजमाने के लिए करना चाहो तो कम से कम आजमाने के लिए करके देखो, होता है कि नहीं होता, आजमाने के लिए करके देखो, जरूर होता है। यहां पर एक बात और अर्ज कर दूं, बाद लोग यहां पर कहते हैं कि इसमें है कि तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम ईमान पर हो, लेकिन दुनिया में काफिरों को क्यों तरक्की हो रही है? वो तो ईमान पे नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, नमाज को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, लेकिन ये लोग तरक्की पे क्यों हैं? इतना ऊंचा मकाम क्यों हो गया है? ये सवाल पैदा होता है, बाद लोग ये सवाल करते भी हैं। इसका जवाब भी सुन ले, हर कौम के लिए अल्लाह का उसूल एक नहीं है, मोमिनों के लिए अलग उसूल है, काफिरों के लिए अलग उसूल है। अगर आप पूछें कि ये उसूल कहां से समझ में आया, मैं इसके लिए वो हदीस आपके सामने पढ़ता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अलग उसूल बताया कि नहीं बताया? दोनों के लिए एक उसूल तो नहीं बताया, अलग अलग उसूल बताया, लिहाजा मालूम हुआ दोनों के अलग उसूल हैं। काफिर लोग
इस दुनिया में रहकर सूद खाएंगे, तरक्की उनको होगी, बेपर्दा रहेंगे, तरक्की उनको होगी, और दीन को छोड़ेंगे, दुनिया की तरक्की उनको होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी, ये दुनिया उनकी जन्नत है, ये दुनिया उनकी जन्नत है। अल्लाह ने इनको दुनिया में जन्नत करने के लिए दे दिया, खूब मजे उड़ाओ, दुनिया की तरक्की ले लो, तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन मोमिन के लिए शर्त है कि तुम दीन पर कायम रहो, तब तरक्की होगी। दीन पर कायम नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए तरक्की नहीं होगी। यह अल्लाह का उसूल है। लिहाजा इन कुन तुम मोमिनीन की शर्त मोमिनों के लिए, अगर हम दीन पर कायम हो जाए तो फिर अल्लाह जरूर बे जरूर मदद करेंगे और हमें बुलंदी पर पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इस इजलास से ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम सबको मौजूदा हालात के अंदर ना तो रुस्वा होना है, ना पिसपा होना है, ना गमजदा होना है, ना परेशान होना है, ना मायूस होना है, ना तो अपने आप को कमजोर समझना है, बल्कि हमको अपने आप को संभालना है, और संभालते हुए दीन पर इस्तकामत, दीन पर कायम रहने की कोशिश करना है। अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, अपने घरों में दीन की तालीम दे, अपने आप को भी दीन पर मजबूत करें, और कभी भी कुफ्रिया, शिरकिया और गैर शरई किसी किस्म के अमल को करने की हिम्मत और जुर्रत ना करें। जब ये हम कर लेंगे, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल देंगे और वो खुद कहेंगे कि हां भाई तुम्हारे लिए नहीं है वसूल। जो एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त काफी हो गया, नमाज का वक्त भी हो रहा है। एक छोटा सा वाकया, अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे आती है। कई साल पहले एक साहब मेरे पास आए फतवा लेने के लिए। उन्होंने फतवे की दरख्वास्त दी, मैं लेके रख लिया और उनसे कहा कि 4-5 दिन के बाद जवाब दूंगा। मैंने उसके बाद फतवा खोल के पढ़ा, सवाल तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि बेंगलोर में एक कंपनी कायम हुई है जो गोश्त का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, और गोश्त में हर किस्म का गोश्त होता है, जायज गोश्त, नाजायज गोश्त, हलाल गोश्त, हराम गोश्त, सबका कारोबार करती है कंपनी। मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं जॉब की तलाश में था, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वहां जॉब मिल सकता है, तो मैंने दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद मंजूर हो गई और मुझे वहां मैनेजर के ओहदे पर तकर्रुर कर लिया गया, और मेरी तनख्वाह, यह आज से मैं तकरीबन 25 साल पहले की शायद बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये तय हो गई है, मैनेजरी का ओहदा। मैं कबूल करके आने के बाद मेरे इल्म में यह बात आई कि यहां हलाल हराम दोनों किस्म का गोश्त होता है, पहले से मालूम नहीं था। अब मालूम हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं कि ऐसी जगह मुझे मैनेजर के ओहदे पर काम करना जायज है या नाजायज, जहां पर हलाल गोश्त हराम गोश्त दोनों का कारोबार होता है और उसकी उसका मैनेजर मुझको बनाया गया है, यह मेरे लिए जायज होगा या नहीं, यह सवाल था उसमें। उसके बाद मैंने जवाब लिख दिया। एक दो दिन के बाद मैंने खुद अपने हाथ से जवाब लिखा कि ऐसी जगह पर आपको मैनेजर के ओहदे पर फायज होकर काम करना जायज नहीं है, जहां पर हलाल हराम दोनों किस्म का गोश्त होता है, इसलिए आपके लिए जायज नहीं। छोटा सा जवाब था, 2-3 सतर का। उसके बाद रख दिया। तो एक दिन आए साहब, उन्होंने कहा कि मैं फतवा लेने आया। मैंने उठा के फतवा दे दिया, वहीं बैठकर वो पढ़े। पढ़ने के बाद कहने लगे, अच्छा मैं जाकर जो है अपने बॉस को कह देता हूं कि मैं यहां काम नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, चले गए। जाने के एक 15-20 दिन के बाद फिर वो आए मेरे पास, और आए और मिठाई का डब्बा भी लेके आए। मैंने पूछा ये क्या है मिठाई, तो बैठ गए। बैठकर उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि हजरत आपने जब फतवा दिया तो मैं यहां से वो फतवा लेकर गया, और
हमारा जो बॉस था उसको मैंने कहा कि मैं जो है इस्तीफा लिख के गया और दे दिया। तो उसने पढ़ने के बाद पूछा कि क्यों इस्तीफा दे रहे, अभी तो आपका तकरर हुआ, फिर आप जो है क्यों इससे दूर हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हमारे उलमा से हमने पूछा कि ऐसी जगह कारोबार जो है जहां होता हो हलाल का हराम का इस्लामी नुक्ते नजर से, वहां पर जो है मैनेजर के ओहदे पर मुझे काम करना जायज नहीं है, हमारे उलमा का फतवा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसने सुनने के बाद संजीदगी से लिया। उसके बाद मैं कहा कि देखो मैं तुम्हारा इस्तीफा रख लेता हूं, अभी मैं आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन मैं अपने से ऊपर वाले जो लोग हैं उनसे इसके बारे में गुफ्तगू करूंगा, तुम 8 दिन के बाद में आना। कहते हैं कि मैं आ गया, आने के 8 दिन 10 दिन के बाद गया, पूछा उससे क्या क्या हुआ, तो कहा कि भाई आपका वो ओहदा बरकरार है मैनेजर का, तनख्वाह भी बरकरार है, लेकिन हमारे बड़े लोगों से बात करने के बाद छोटी सी तब्दीली ये कर दी गई है कि सिर्फ हलाल जो कारोबार है उसका मैनेजर आपको बनाया जाता है, जो हराम गोश्त का डिपार्टमेंट है उसको हमने अलग करके उसे एक और आदमी के हवाले कर दिया है, आप सिर्फ इसी गोश्त के मैनेजर हैं जो हलाल है, क्या आपको यह मंजूर है? उसने जब पूछा तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे क्या है ना मंजूर होने की, बहुत खुशी की बात है। और यह भी कहा तनख्वाह में कोई कटौती नहीं, तनख्वाह वही 30,000, बस इतना कर दिया कि हमने डिपार्टमेंट अलग बना दिए, एक वो जो आपकी शरीयत में हलाल है, एक वो जो आपकी शरीयत में हराम, उसको हमने दूसरे आदमी को दे दिया, उसका मैनेजर बना दिया, आप इसके लिए काम करें। वो आकर मुझे ये सारा सुनाकर कहने लगे जो है अल्लाह का शुक्र है, ये मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ खुशी में। खैर मैंने ले लिया। मैं ये वाकया बयान करके आपको ये बताना चाहता हूँ, जब दीन पर आदमी जमता है अल्लाह रास्ते कैसे खोलते हैं। अगर हम ही दीन पर ना रहना चाहें तो अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है। अल्लाह कहते हैं अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या मैं मेरी रहमत तुम्हारे ऊपर लाके चिमटा दूं जबकि तुम मुंह मोड़ के जा रहे हो, तुम दीन पे आना नहीं चाहते, तुम मेरी रहमत की तरफ आना नहीं चाहते, मेरी हिदायत के पैगाम की तरफ आना नहीं चाहते, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर चिपका दूं? अनुल्ज़िमुकुमुहा वो अंतुम लहा कारी हूं, जबकि तुम मुंह मोड़ के जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं करने का। जो मेरी तरफ आता है, जो मेरी तरफ झुकता है, मेरे तरफ दीन की तरफ आता है, मेरे दीन को इख्तियार करना चाहता है, मैं उसके ऊपर रहमत को चिमटाता हूं, और जो नहीं आते उसको निकाल देता हूं। भाइयों यह है खुलासा। आज हमें इस बात की जरूरत है दीन पर खुद इस्तिकामत के साथ जम जाए, अपने बच्चों को दीन पर कायम रखें, उनको इन बातों की तालीम दें, और हर सूरत के अंदर अपने दीन को मजबूत करते चले जाने की कोशिश करें। इसके लिए एक तो इल्म दीन की जरूरत है, दूसरे नेक लोगों की सोहबत की जरूरत है, नेक लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी महफिलों में आना जाना, अपने बच्चों को भी नेक महफिलों में लाने जाने की कोशिश करना, इससे दीन मजबूत होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी पूरी उम्मत को भी दीन के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, और हमें दीन पर इस्तिकामत के असबाब अता फरमाए, और जो हालात हैं अल्लाह तबारक व ताला इन हालात को हमारे लिए मुआफ़त फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी ये दुआ कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।